हाय दोस्तों, आपका जेटेक में स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके पास किसी का कॉल आ गया, आप फोन मतलब हाथ से रिसीव करते हैं, फिंगर से रिसीव करते हैं, आप चाहते हैं अपने फिंगर या हाथ से नहीं रिसीव करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं वॉइस के थ्रू रिसीव करूं, तो आप रिसीव कर सकते हैं, इस ऐप के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। आप मतलब यहां से आप अपने फोन को रिसीव कर सकते हैं, डिक्लीन करना हो तो डिक्लीन कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक भी करना हो तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिंगर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का इस्तेमाल करना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना भी न भूलिए, जिससे कि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, मैं चलता अपने फोन के होम स्क्रीन पे, वहीं पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। दोस्तों, मैं फोन के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेने का थोड़ी देर वेट कर लीजिए। आप इस एप्लीकेशन को ओपन होने दीजिए। ओपन हो जाने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट पर आप सिंपल सा क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक कर लेने के बाद अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ दिखाई देता है स्टार्ट। स्टार्ट पर सिंपल सा क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट पर सिंपल सा क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है स्टार्ट। अगेन स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है, वेनी है। यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करके यहाँ दिखाई दे रहा है अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, इस पर क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे, यहाँ दिखाई अलाउ वनी टू एसेस योर कॉन्टैक्ट्स। वनी को अलाउ करने के लिए कह रहा है, कॉन्टैक्ट्स में अलाउ कर दीजिए। अलाउ कर देने के फिर अलाउ कर दीजिए। अलाउ फिर अगेन कर दीजिए। अगेन फिर अलाउ कर दीजिए। अलाउ कर देने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, यहाँ दिखाई देता है ओके। ओके पर क्लिक कर दीजिए आप सिंपल सा। क्लिक कर देंगे तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ दिखाई सेट वर्ड्स फॉर आंसर, आंसर के लिए कह रहा है, एक वर्ड सेट करने के लिए कह रहा है, इसीलिए डिक्लीन को भी, स्पीकर, ऑटो रिप्लाई, साइलेंट, ब्लॉक, इस सब के लिए भी आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना सेट करना होगा। जैसे मान लीजिए आंसर के लिए मैं सेट कर लेता हूँ हाय, डिक्लीन के लिए सेट कर लेता हूँ मैं, सेट कर लेता हूँ नो। इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। जैसे मैं एक सेट कर, जैसे मैं यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं हाय हाय, देखिए इस तरीके का सेट हो गया हाय। यहाँ पे सेव कर दीजिए कि जब आपका आके किसी का फोन आएगा तो रिसीव करने के लिए हाय बोलेंगे तो उसका रिसीव हो जाएगा। सेव पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ डिक्लीन के लिए आपको एक सेट कर लीजिए। जैसे मैं सेट कर लेता हूँ नो, यहाँ पे इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं बोलता हूँ नो नो। देखिए यहाँ पे जो नो वर्ड है यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है, आप भी सेट करना हो सेट कर लीजिए। नो या किसी और वर्ड सेट कीजिए, या गर्लफ्रेंड या किसी के नाम सेट करना हो तो सेट कर सकते हैं। सेट कर लेने के बाद सेव पर क्लिक कर जाएगा। आपके पास किसी फोन आएगा, आप डिक्लीन करना चाहे तो डिक्लीन करने के लिए आपको नो को बोलना होगा, ये डिक्लीन हो जाएगा। सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ स्पीकर दिख रहा है, अगर स्पीकर बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए कोई वर्ड सेट कर लीजिए, या ऑटो रिप्लाई के लिए, साइलेंट के लिए, ब्लॉक के लिए कोई वर्ड सेट कर लीजिए। आपका जब आएगा फोन आएगा तो आप डिक्लीन करना चाहे डिक्लीन कर सकते हैं, आंसर देना है आंसर, या स्पीकर करना हो तो स्पीकर। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक फोन करके मैं दिखा देता हूँ आंसर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ और डिक्लीन के लिए क्या कर रहा हूँ। आंसर क्या आएगा तो मैं हाई कर दूंगा, उठाना होगा तो डिक्लीन करना होगा नो करूंगा। आपको ये चीज दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए फोन आ चुका, जैसे इसको रिसीव करने के लिए हाय बोल देता हूँ। हाय हाय, देखिए फोन रिसीव हो गया है। इसी तरीके से आप भी फोन को रिसीव कर सकते हैं। अगर डिक्लीन करना हो जो सेट करेंगे वो इसी चीज़ से डिक्लीन भी हो जाएगा। अगर आप मतलब वहाँ से आप ब्लॉक करना तो ब्लॉक भी कर सकते हैं, और स्पीकर बढ़ाना तो स्पीकर सेट करके बढ़ा सकते हैं। और चलिए मैं बता देता हूँ इसका क्या क्या और चीज़ है, सब चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, यहाँ जैसे यहाँ देखिए और दिखाई दे, यहाँ देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ कर देंगे तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे इस ऐप को किसी दूसरे पर शेयर कर सकते हैं, शेयर स्क्रीन करना स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए आपके सारे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, जो आप कॉन्टैक्ट वाले हैं यहाँ से आप मतलब कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर मान ली फोन भी लगाना हो तो फोन लगा सकते हैं। जैसे मान ली लगाना फोन तो फोन लगा, नेम सर्च करना सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कॉन्टैक्ट वाले मिल जाए आप क्लिक करके यहाँ देखिए किसी फोन लगा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ क्लिक करके आप थीम लगाना हो थीम लगा सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे थीम पड़े, जो थीम आपको लगाना हो यहाँ से थीम लगा लीजिए। यहाँ देखिए इस पर कर दे कैलकुलेटर, यहाँ दिखाई देता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर करिए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।